नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल एक्टर विजय 69 फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए दी। अनुपम खेर ने सोमवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें एक्टर अपने हाथ पर स्लिंग पहने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अनुपम खेर ने अपने एक साथ में येलो कलर की एक बॉल ले रखी है। फोटो को देखकर लग रहा है कि एक्टर को शूटिंग के दौरान हाथ में गंभीर चोट लगी है। अनुपम खेर ने अपनी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, और जो लिखा सच बता रही हूँ, उसी का कारण है कि मेरे फेस पे ये दुखद सूचना देते हुए भी हल्की हल्की स्माइल है, क्योंकि अनुपम खेर जिस तरीके की बातें करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होती हैं, और साथ में जिस तरीके की वो हम कह सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पर पोस्ट भी करते हैं ना, वो भी बहुत फनी होता है अपने आप में। तो सोचिए, यहाँ अपने दर्द को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फनी अंदाज में बयां किया है। तो चलिए जानते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने कैप्शन में लिखा क्या। उन्होंने लिखा, आप स्पोर्ट्स फिल्म करो और आप घायल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कल विजय 69 की शूटिंग के दौरान कंधे में अच्छी खासी चोट लगी। दर्द तो है, पर जब कंधे पर स्लिंग लगाने वाले भैया ने बताया कि उन्होंने ही शाहरुख खान और ऋतिक रोशन के कंधों को इस स्लिंग से सजाया था, तो पता नहीं क्यों दर्द का एहसास थोड़ा सा कम हो गया। पर वैसे अगर थोड़ा जोर से खांसू तो मुंह से हल्की सी छींक जरूर निकलती है। फोटो में मुस्कुराने की कोशिश जायज है। 1-2 दिनों के बाद शूटिंग जारी रहेगी। इसके साथ ही एक्टर अनुपम खेर ने ये भी बताया कि जब उनकी माँ को इस बात का पता चला कि बेटे के साथ क्या हुआ है, बेटे के हाथ में चोट लगी है, तो इस पर उन्होंने बेटे को कहा, और दिखा अपनी बॉडी दुनिया को, तुझे नजर लग गई है। मैंने जवाब दिया, माँ गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। माँ झापड़ मारते मारते रुक गई। अनुपम खेर के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, जल्दी ठीक हो जाइए, वैसे सही कहा, शेषावतार ही गिरते हैं और फिर सवर भी जाते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने भी अनुपम खेर के जल्दी ठीक होने की दुआ मांगी। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।